राम राम। नमस्कार सभी दोस्तों को। आज और भाई करो दर्शन एक और हरियाणा ब्रीड के नगीने के हीरा रोक ले रहे एक बार। थर्ड टाइमर ये गो माता है भाई, और कल शाम को जो है इसने बछड़ी को जन्म दिया अपने पास ही। कल प्रेग्नेंट टापा लेकर के आए थे, बच्चे के बगैर चल नहीं रही थी भाई, इसलिए बच्चे को गोदी उठा रखा, और बहुत ही प्यारी नन्ही बछड़ी को जो इसने जन्म दिया है। और ले चलो भाई भीतर ले चलो। सही मंजूरा नो तू नून नून तू आगन जा रही मानसू एक भाई दीपू का नहीं होले तू आगन है नून। ये देखें भाई ऐसे ऐसे शानदार गोवंश बहुत कम देखने को मिलते हैं भाई दोस्तों। ये अडर ये देखें बाब बिल्कुल खड़ी का रोप देखें आप गो माता का, अडर थन लाजवाब से भी लाजवाब। एक एक बनू का है ना, चल भाई भीतर ले चल। एक एक बुलाथ के गए पथन भाई, और अब आप इसको इसकी धार भी काट के दिखावांगे भाई आपने अंदर ले चला, क्योंकि ताजी ब्याई है। ये देखें बर्ड, और ये अडर इसका तब है इसमें से बच्ची से अलग 4-5 केजी खीस जो है निकल चुका है भाई। कल ये शाम को आई थी और 11 बजे ही रात को ये डिलीवरी इसकी होगी थी। ठवाइयो भाई रही ठवाइये पंडित जी। ये किसने बहुत ही प्यारी शुद्ध पंचायती नंदी की जो है ये बेटी है नीचे इसका, बहुत प्यारी हरियाणा ब्रीड की बछड़ी को जन्म इसने गौ माता ने दिया है भाई। और ये देखें बच्चे का मुंह लगते ही गौमूत्र जो है गौ का पहला वो होता है भाई, बच्चे का मुंह लगते ही गौमूत्र जरूर करेगी। और अब आपको न्याणा लगा कर दिखावांगे सींग बिल्कुल चंद्राकार। ये देखें भाई चंद्राकार में बिल्कुल सींग जो शुद्ध हरियाणा ब्रीड के होने चाहिए। तो उठ जा भाई बिना न्याणा लाने दे इसने, मोटरसाइकिल इसने नहीं आंदी, दूध काटना इसने नहीं आंदा, उसने कम तक कम दूध तो काटना हुआ है, मोटरसाइकिल नहीं आंदी तो। तो भाई दूसरे ब्यात का जो इसका दूध बताया गया दोस्तों 14 किलो, अब ये कितना दे देना तो चाहिए भाई 15-16 किलो, बाकी और ब्याई है इसको सुबह खाली कर देंगे खींचते हैं। कल इसका एक अनुमान भी आ जाएगा, अनुमानित आंकड़ा जो है वो भी आ जाएगा भी कितना दूध पाछे प्यावे में बछड़ी ने। हाँ ये देखें भाई दोस्तों टाइम भी मैं आपको एक बार जरूर दिखाऊंगा। छः बज के 6 मिनट 7 जून आज ही ये वीडियो आप कवर कर रहे हैं। बांधे बाछी ना गए थण पावसा देखें भाई, अब नज़दीक से देखें बिल्कुल। पैर नून करवा भाई थोड़ा, एक तो खुर भी बनवाना था रहा लड़ाई का एक। बस सही खड़ी होगी, दूध देखें भाई इतना नरम चुवाई है इसको माता की, अपने आप टपकन लाग जाएगा। ओहो खोर में पड़ी है,
उठ ली। ये धार चवाई देखें भाई, वो भाई नुकार ना गज गज की धार। और जो भी है भाई देखो, लेने वाला अपने आप निकाल कर देखे आके, अपनी संतुष्टि स्वयं करें भाई। पछला में उधर काट दे भाई, इतना पछला में तो काट दे, फिर बछड़ी चका दे, तड़के खाली कर देंगे। ये देखें भाई, वाह भाई वाह, क्या शानदार जबरदस्त धार। देखो भाई, बस मुट्ठी दबो और काटो, दबो और काटो, इतनी नरम धार। और यो स्वभाव जो इसका, यो बिल्कुल रात की ब्याई का ताजी का है भाई। तो ये सोचो, ये दो चार दिन की जब ब्याई हो जाएगी, कितनी शान स्वभाव होगी ये गायें होगी। क्योंकि ताजी जब ब्याव है, उस टाइम थोड़ा बहुत एक दो दिन थोड़ा हल्का फुल्का एक आधी गायें कर दिया अगर छोटा मोटा, पर ये फिर भी नहीं कर रही भाई। लगना खाली करे दे मानसू, करे दे, गर्मी ज्यादा है। हाँ पिछले झाड़ दे, अगले बाछी पी लेगी, गर्मी ज्यादा है भाई, वैसे खाली कर दे, कोई दिक्कत ना। तो भाई आप लोगों के समक्ष खाली भी हो जाएगी अब, और फिर अपना वैसी बाछी छोड़ दे। ये देखें भाई, 5-1 किलो खीस हमने इसका रात का और सुबह निकाला था, और बच्ची को पिला के 3 टाइम बच्ची को पिला लिया, ये चौथी टाइम बच्ची को फिर पिलावांगे भाई। तो अंदाजा एक लगभग 13-14 किलो जो खीस है वो इस गौ माता ने निकाल करके दिखाया है भाई। यो 5 किलो आराम से होगा भाई, राजी राजी। उड़ज रही है रस्सा, उड़ज रहा पाम, बस ये बैठ कर ना प्यादे। तो भाई कैसी लगी दोस्तों वो माता नई, और जो भी लेने का इच्छुक हो भाई वो संपर्क कर सकता है। राम राम, नमस्कार सभी दोस्तों को। कल फिर एक नई गौ माता के साथ मिलेंगे भाई, उसके नीचे भी बछड़ी है, कल एक और लेकर के आएंगे, फिर उसकी भी वीडियो दिखाएंगे। क्यों जी मामा जी, अरे मामा जी क्या हाल है तेरे, आजा मैं मतना वीडियो में लूंगा, मेरी मम्मी फिर नुका कि मेरा आया वीडियो में आया।